नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। शहर में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, तेज रफ्तार की कहर से 3 की हुई मौत। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ लिया बिष्टुपुर मार्केट का जायजा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई द्वारा केक काट कर मनाया गया। शराब के ठेको एवं अश्लील भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संस्था ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। खबरें विस्तार से। गुरुवार का दिन सरायकेला के लिए हादसों वाला दिन साबित हुआ। जहां सुबह से शुरू हुआ सड़क हादसे में मौत का सिलसिला देर रात तक जारी रहा, जहां अहले सुबह राजनगर थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक के समीप राजनगर प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष धर्मा मुर्मू की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना दोपहर को आरआईटी में घटित हुई, जहां सीतारामपुर डैम के समीप जमशेदपुर के बर्मा माइंस के युवक सर्वेश मिश्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं तीसरी घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र की है, जहां देर रात करीब 8 बजे से आसपास खरखाई पुल पर घटित हुई, जहां आदित्यपुर ट्रांसपोर्ट कॉलोनी रोड नंबर 27 निवासी 32 वर्षीय उज्जवल कुमार की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। स्थानीय राहगीरों ने उज्जवल को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, मगर उसे बचाया नहीं जा सका। मामले की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस टाटा मुख्य अस्पताल पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि उज्जवल साउंड बॉक्स डीजे वगैरह का कारोबार करता था, परिजनों ने इसके पीछे साजिश करार दिया है। सर, आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। क्या घटना हुई है सर यहाँ पे? ये मेरे भाई का पुल के पास कोई गाड़ी वाला आके मार के चला गया। क्या करते थे आपके भाई? मेरा भाई डीजे का काम करते थे। आपको क्या सूचना कैसे मिली? आपको यहाँ हॉस्पिटल में मैं उसके नंबर पर कॉल किया गया। हाँ। तो पता चला कि वो बुलाया गया मुझे, यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, कोई टेम्पू वाला आके छोड़ के गए हैं। क्या नाम था आपके भाई का? उज्जवल कुमार, ट्रांसपोर्ट कॉलोनी रोड नंबर 27 आदित्यपुर 2। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजय जाधव अधिकारियों के साथ शुक्रवार की सुबह बिष्टुपुर चूना शाह बाबा दरगाह के पास स्थित मार्केट की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था में कमी पाई, साथ ही बाजार की संकरी गलियों के निरीक्षण में पाया कि आग लगने जैसी आपात स्थिति में वहां फायर ब्रिगेड वाहन का पहुंचना मुश्किल साबित होगा। इसके अलावा भी बाजार की व्यवस्था में कुछ अन्य खामियां पाई गई। उपायुक्त विजय जाधव ने उन खामियों को दूर करने की दिशा में सुधार की पहल शुरू कर दी है। इसे लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के अलावा टाटा स्टील के संबंधित विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। बता दें कि बिष्टुपुर मेन मार्केट में कई बार आग लगने की घटना घट चुकी है। माना जा रहा है कि उस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर एहतियात के तौर पर प्रशासन ने व्यवस्था में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। और यहाँ जैसे कि कुछ हमें रिक्वेस्ट किया गया था कि पीछे जो धुनी के लिए लकड़ी रखी जाती है उसको, उसके ऊपर से यूरिनल का पानी जा रहा है, तो कल जब उसका निरीक्षण किया था तो पता चला कि काफ़ी सारे जगह पर अतिक्रमण किया है। बहुत सारे यहाँ पे जो दुकानें हैं वो कंपनी बिल्ट होने चाहिए, कंपनी बिल्ट से ज़्यादा अभी पार्टी बिल्ट ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे दुकानों में डोमेस्टिक यूसेज का 14.200 वाला केजी का सिलेंडर रख के लोग उसमें डाई कास्टिंग या बाकी के जो अपने छोटे छोटे यूनिट्स चला रहे हैं, इवन दैट इज़ इलीगल। अगर आग लग ही जाती है तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे आएगी, सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे कोई अप्रोच रोड है वो भी दोनों साइड से स्टेप बना के रखे हुए हैं, और सारे जगह से इनक्लोज्ड एरिया है मगर कोई भी क्लियर कट एक 12 फीट का ओपनिंग नहीं है, और छोटे छोटे मल्टीपल यूनिट्स बहुत है, कहीं गैरेज है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अप्लायंसेस का रिपेयरिंग है, कहीं पे ऐसे छोटे छोटे कपड़े के दुकान है, तो ये सब बहुत ही
डेंस्ड एरिया है मार्केट का, और जो मज़ार है, श्राइन है, उसका चारों तरफ से अतिक्रमण हो गया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए अब यहाँ पे जुस्को के लोग भी थे, टाटा लैंड्स के भी लोग हैं, और JNSC के भी पदाधिकारी मौजूद है। हमने इन लोगों को ये सब साफ़ सफाई करने का भी आदेश दिया है उर्स के बैकग्राउंड पे। शायद 18 तारीख को इनका उर्स है, और साथ ही साथ इसका मार्केट का पीछे का जो रीडेवलपमेंट प्लान पहले का भी जो जुस्को ने बनाया था, उसको भी हम लेके नगर विकास विभाग के साथ फॉलोअप करेंगे, ताकि पीछे अच्छे से दुकानें बन जाए एक यूनिफॉर्म डायमेंशन की, उसमें कुछ फैसिलिटी हो। क्योंकि लगभग कुछ कुछ लोगों के पास तो जुस्को का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस की जहाँ से जमशेदपुर में मार्केट रीडेवलपमेंट के प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई द्वारा बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में केक काटकर श्रीमती गांधी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कार्यकारी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर, राकेश तिवारी, राकेश साहू, बबलू झा सहित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बारी बारी से एक दूसरे को केक खिलाकर सोनिया गांधी के जन्मदिन की बधाई दी। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने श्रीमती सोनिया गांधी के दीर्घायु होने की कामना की और कहा कि इस पार्टी को उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहे। अरे बर्थडे है आप भी ना चाचा, ऐसा ना हो। नहीं हमारे संग धर्मेंद्र सोनकर जी हैं, और साथ ही साथ सभी यहाँ के वरिष्ठ साथी नौजवान, और आपने जैसा देखा कि हम लोगों ने आज हमारी जो महिला नेत्रियाँ हैं, इन्होंने केक काट करके आज मैडम के जन्मदिन का सेलिब्रेशन तिलक पुस्तकालय में किया है। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु दें, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वचन हम सभी कांग्रेसियों को लंबे समय तक मिलता रहे। सामाजिक संस्था ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक के द्वारा जिले में संचालित हो रहे शराब के ठेको एवं अश्लील भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने संबंधी एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया। सामाजिक संस्था ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संस्था पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पहुंच जिले में संचालित हो रहे शराब के ठेको एवं अश्लील भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने संबंधी एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के जिला अध्यक्ष चंदना बनर्जी ने बताया कि शहर में अंधाधुंध तरीके से शराब के ठेके आवंटित किए जा रहे हैं, साथ ही अश्लील साहित्य का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि इससे महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने उपायुक्त से अविलंब इस पर नकेल कसने की मांग की है। आज हम लोग ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के जिला से, पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से DC साहब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि शराब का दुकान जिस तरह से हर गली चौराहे में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और अश्लील सिनेमा साहित्य का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा है, इस कारण से मैंने प्रभात खबर में आया है, आप लोग जो डाटा आया है देखिएगा किस तरह से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। घर घर में आज शराब के कारण महिलाओं के ऊपर अपराध अत्याचार बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रहा है, फिर चोरी डकैती छिनताई छेड़खानी ये तो है ही है, बच्ची छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर रेप गैंगरेप मर्डर हो रहा है, फिर मैंने असली सिनेमा साहित्य के कारण हमारे बच्चे खराब हो जा रहे हैं। इसके कारण से हम लोग चाह रहे हैं कि शराब दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए और असली सिनेमा साहित्य को अविलंब बंद किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी किया जाए। अपने प्रिय चहेते धर्मा मुर्मू का शव देखते ही मंत्री चंपाई सोरेन भावुक उठे। उन्होंने नम आंखों से धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद झामुमो कार्यकर्ता सरायकेला पोस्टमार्टम हाउस से धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को लेकर राजनगर उनके पैतृक आवास पर पहुंचे। धर्मा मुर्मू के पार्थिव शरीर को पार्टी कार्यालय ले जाया गया, जहां सभी ने बारी बारी से उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की।
बता दें कि गुरुवार को सड़क हादसे में राजनगर प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू की दर्दनाक मौत हो गई थी। धर्मा मंत्री चंपई सोरेन के बेहद करीबी थे। धर्मा की मौत से न केवल मंत्री चंपई सोरेन बल्कि पार्टी को भी बड़ी क्षति हुई है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड के बागलता प्राथमिक विद्यालय स्कूल के प्रधानाध्यापिका ने 12 छात्रों को पिटाई किया। वहीं बच्चों के अभिभावक और स्कूल के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई की मांग की। वहीं बच्चों के अभिभावकों और स्कूल के अध्यक्ष पंकज सेठ ने कहा कि बच्चे स्कूल की रूटीन नहीं कर पाए, जिस वजह से प्रधानाध्यापिका जुलियाना एलिजबा बारला ने 12 छात्र छात्राओं को डंडे से पीट दिया, जिससे कई छात्रों को चोटें आई हैं। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि हाँ, मैंने मारा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन मीडिया में अपनी बातों को रखना नहीं चाह रही थी। ए भाई आप हटिए, फोटो तो दीजिए नहीं तो हुआ है। बच्चा स्कूल आया है तो रूटीन नहीं लिख पाए, इसलिए बच्चा को मारा गया है। कौन मारा? मैडम। अच्छा, क्यों मारा? रूटीन नहीं लिख पाई। अच्छा, आप ही को बच्चा को मारा है कि और भी बच्चा को मारा है? और भी बच्चा को मारा है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? बच्चा को मारपीट ना हो, अच्छा से पढ़ाई हो। कि 12 बच्चों से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्रधानाध्यापिका के द्वारा पीटा गया है। काफ़ी मैंने चेक किया, उनको काफ़ी चोट आई हुई है। तो इस विषय में मैं आज प्रधानाध्यापक के सामने आया हूँ। उनको बोला गया कि भाई आपने क्यों इस तरह से बच्चों को पीटा, और जो कि गलत है। आप तो अभी के सरकारी नियम के अनुसार अभी बच्चों को आप मार नहीं सकते। जो भी पढ़ाना है आपको खेल कूद के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को सही शिक्षा मिले ताकि वो समझ पाएँ, और कोई भी असुविधा हो तो इसके लिए हम भी उपलब्ध हैं। कोई परेशानी आ रही है तो हमारे माध्यम से भी आप जानकारी उपलब्ध कराइए, उसको सुधार किया जाएगा। और महीना महीना तो अभी मीटिंग भी किया जाता है, पीटीएम मीटिंग। कौन मारा है, क्या नाम? हमारे प्रधानाध्यापिका एलिजबा जूली बारला। नहीं, हम कुछ नहीं बोले। मैडम, क्या मामला क्या था बता, बच्चा का मारने का ऊपर आरोप लगा है, क्या मामला क्या है पूरा? हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों कहें, हम बोलेंगे नहीं, बोले तो फिर क्यों से क्या हो गया? वो जो हो गया हो गया, तो कर ही दिए। तो बच्चे को बेरहमी से पिटिएगा मैडम? थोड़ा नहीं देने से नहीं होगा ना, शासन थोड़ा तो करना ही होगा। घर में तो लोग से होता नहीं है ना, थोड़ा नहीं देने से तो हो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा। तो 10 से 12 बच्चों को मारपीट किए हैं? हाँ, 3, 4, 5 का था। बच्चे को डांट सकते हैं लेकिन मार तो नहीं ले सकते मैडम? क्या कहना चाहेंगे बताइए। सांची बसंत सिनेमा के पीछे शहीद चौक के समीप निर्माणाधीन हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीओ से मुलाकात की। जमशेदपुर के साक्षी बसंत सिनेमा के पीछे शहीद चौक के समीप निर्माणाधीन हनुमान मंदिर के निर्माण कार्य में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने एसडीओ से मुलाकात कर एक कमेटी गठन करने या मंदिर निर्माण का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद को सौंपने की मांग की है। इस संबंध में विहिप नेता रवि सिंह ने बताया कि कुछ आपराधिक छवि के लोग अपनी काली कमाई को मंदिर निर्माण की आड़ में सफ़ेद करने में जुटे हैं, जो बाद में मंदिर को कब्जा करने का दावा कर सकते हैं। ऐसे में आपस में टकराव की स्थिति बनेगी। उन्होंने शहर के हिंदूवादी संगठनों को एकजुट होकर उक्त मंदिर के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। देखिए, जो साक्षी बसंत सिनेमा स्थित जो हनुमान मंदिर है, उसके विषय में आज हम लोग
इसरो साहब से मिलने आए हैं कि ताकि मंदिर का भव्य निर्माण सामूहिक प्रयास के माध्यम से हो, किसी एक व्यक्ति एक गुट एक संगठन का मात्र नहीं रह जाए और सारे लोगों का इस पे जो है कि सहभागिता होना चाहिए भव्य निर्माण में। जैसे प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में निर्माण हो रहा है, हर एक हिंदू घर का एक एक पैसा लग रहा है, उसमें जो चाह रहा है अपना योगदान देना दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ठीक उसके उलट ये हो रहा है कि कोई एक व्यक्ति एक गुट एक संगठन जो है अपना वर्चस्व कायम करने के लिए उस मंदिर का जो है कि जबरदस्ती दूसरे को नहीं आने दिया जा रहा है। और एक जो है कि हिंदू समाज में इस प्रकार की बातें फैल रही हैं कि हिंदू एकता नहीं, वो हिंदू एकता तोड़ने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो और सामूहिक प्रयास से हो, स्थानीय लोगों के माध्यम से हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला स्थित बोर्ड मध्य विद्यालय में प्रधानाध्याचार्य शफक इकबाल द्वारा राष्ट्रध्वज तिरंगे के अपमान करने के मामले को लेकर ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधि ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि बुधवार को बोर्ड मध्य विद्यालय घाटशिला के प्रधानाध्यापक शफक इकबाल ने स्कूल के छात्र छात्राओं से पुराना तिरंगा झंडे को काट कर टेबल कुर्सी और ब्लैक बोर्ड को साफ करवाया। बच्चे ने इस बात को अपने पिता तथा आसपास के लोगों को कहा। उग्र ग्रामीणों ने आज गुरुवार को स्कूल पहुंचकर विरोध जताया। सूचना पाकर तुरंत वहां पुलिस प्रशासन पहुंची और प्रधानाध्यापक को थाने ले गए। इस मामले पर जिला पार्षद करण सिंह ने थाने में तिरंगा झंडे के अपमान को लेकर शिकायत दर्ज करवाया। मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल पांडे अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंचे और विरोध जताया। वहीं जिला पार्षद करण सिंह ने मामले को गंभीरता में लेते हुए प्रधानाध्यापक के खिलाफ लिखित आवेदन थाना प्रभारी को सौंपा और प्रधानाध्यापक पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं घाटशिला थाना प्रभारी शंभू प्रसाद गुप्ता ने बताया कि जिला पार्षद करण सिंह द्वारा लिखित शिकायत दी गई है, जाँच कर रहे हैं। राजस्टेट मध्य विद्यालय है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल सर काफ़ी 3 साल से करीब यहाँ पे हैं वो, और वो हमेशा से लोगों के बीच में मतलब एक भेदभाव वाला राजनीति करते हैं वो। और रिसेंट अभी कल परसों की घटना है कि एक तिरंगा था जो स्कूल पे तिरंगा जो फहराया जाता था, उस तिरंगा को काट करके बच्चों से कुर्सी और टेबल पुछवाया जा रहा था। और जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि तिरंगा को चूहा काट दिया है इसलिए कटवा दिए और पोछ दिए। पर तिरंगा के अपमान हम या पूरे देश के वासी कोई भी नहीं सहेगा। हम किसी भी जाति धर्म के हों, कोई भी हो, पर तिरंगा का सम्मान हमारा देश का सम्मान है और इसके लिए सबके अंदर एक भावना होना चाहिए कि वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। तिरंगा तिरंगा तो बस तिरंगा होता है, वो अगर कट भी जाता है तो उसका भी एक प्रक्रिया है, तरीका है। और अगर प्रिंसिपल अगर इनको वो भी नहीं पता है कि तिरंगा को कटने के बाद क्या किया जाता है तो वो दुर्भाग्य की बात है, वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। इकबाल जी, उन पर आरोप है कि उन्होंने पुराने तिरंगे झंडे का जो चूहा वगैरह कुतर दिया था उसको कैंची से काट कर या दूसरे उसको डस्टर बना दिए और उसका कुर्सी टेबल झाड़ने का पोछा कर दिया बच्चों ने, बच्चों के दरवा किया गया, तो उसमें प्रकार राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। इस संबंध में एक जिला पार्षद करण सिंह के द्वारा एक लिखित आवेदन आई है, इस संबंध में हम लोग जांच कर रहे हैं। जो एक्ट के अनुसार और नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है हम लोग का फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और प्रिवेंशन ऑफ नेशनल फ्लैग। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ, बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात, हॉप के दो बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि इसमें दो वेरिएंट है, हॉप लियो हॉप लाइफ, और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है।
पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए इसे जमशेदपुर बुलाया है। ये पूरा इस मूल के लिए लिया गया है, ये पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिस्तुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्री लेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे, साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिश्तीपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 0657-23-20075। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट, अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है, इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा, जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा, जो साइकिल हो सकता है हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। ममता की छांव, हथनी ने जंगल के रास्ते में बच्चे को दिया जन्म, सूंड से उठाकर जंगल में ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। कलाई कुंडा जोटिया जंगल के रास्ते पर हथनी ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान नवजात बच्चे को प्यार दुलार करते दो हाथियों को देखने भीड़ उमड़ पड़ी। मादा हाथी बच्चे को सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी, वहीं दूसरा हाथी
दोनों की सुरक्षा में लगा था। ग्रामीणों की सूचना पर हाथी स्क्वाड भी वहां पहुंचा, तब तक मादा हाथी अपने बच्चे को सुड़ से उठाकर जंगल में जा चुकी थी। जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में बन रहे स्टेडियम का गांधी मैदान दुर्गा पूजा समिति ने विरोध जताया। उन्होंने इस मामले में एक मांग पत्र जिले के उपायुक्त को सौंपा है। इन्होंने कहा कि एक तुगलकी फरमान के तहत इसका निर्माण शुरू करवाया गया है, जबकि इस मामले में पूजा कमेटी से कोई चर्चा नहीं की गई है। इसके अनुसार ये विकास का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ स्टेडियम बनाने से पूजा पंडाल प्रभावित होगा, जिस कारण वहाँ स्टेडियम के स्थान पर मैदान का सौंदर्यकरण किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर 6 दिन के भीतर अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो तमाम हिंदू संगठन मिलकर कार सेवा करेंगे और वहाँ मंदिर की स्थापना कर देंगे। उपायुक्त महोदय ज्ञापन देने के बाद उस पे उस कार्य की समीक्षा नहीं की गई और हम लोगों को बुला के बात नहीं किया गया। हमारी समस्याओं को अगर नहीं सही रूप से लिया गया तो हम लोग पूरे जमशेदपुर के पूरे हिंदू संगठन मिल के हम लोग वहाँ पे कार सेवा करने का कार्य करेंगे और वहाँ दुर्गा माँ का मूर्ति स्थापित करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि आप पार्क नहीं बने? नहीं, हम लोग विकास का विरोधी नहीं है। पार्क बनाइए, बाउंड्री वॉल कीजिए, वहाँ पे लोगों को घूमने के लिए साइड में ट्रैक भी बनाइए, घास भी लगाइए, लेकिन सीढ़ी नुमा स्टेडियम बनाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना ही स्टेडियम का चिंता है तो आप कहीं दूसरे जगह बड़ा जगह लेके भव्य स्टेडियम बनाइए। हम लोग भी विकास का स्वागत करते हैं, लेकिन देवी देवताओं से खिलवाड़ करना बंद करें। काम तो वहाँ चालू हो गया है। इसलिए हम लोगों ने ज्ञापन देने आया उपायुक्त महोदय को कि आप इस पे संज्ञान लें। आपके जानकारी में है कि नहीं है कि 1964 से पूजा हो रहा है? आपके नॉलेज में है कि नहीं है? अगर आपके नॉलेज में है तो उसको तुरंत बुला के वहाँ के इंजीनियर, वहाँ के MNC पदाधिकारी को बुला के अविलंब इस पे बातचीत करें और हम लोग को भी बुलाएं, हमारे पूजा कमेटी को भी बुलाएं, बुला के हमारे कमेटी से भी बात करें, वहाँ के आसपास के नागरिकों से भी पूछें कि जो ये कार्य हो रहा है ये इस पे आप लोगों की सहमति है कि नहीं है। आखिर जो स्टेडियम बन रहा है वो पब्लिक के लिए बन रहा है, तो पब्लिक से आप पूछेंगे ना कि यहाँ जरूरत है कि नहीं है आपको। PC समिति मध्य विद्यालय में श्री योग विधान सेवा समिति ने मनाया तुलसी पूजन दिवस। विद्यालय समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार भी उपस्थित रहे। CP समिति मध्य विद्यालय के बुलबस्ती में श्री योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा विद्यालय के बच्चों के बीच तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। ज्ञात हो कि 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की घोषणा की गई है, लेकिन योग वेदांत सेवा समिति के द्वारा पूर्व से ही स्कूलों के बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर के पूर्व ही तुलसी पूजन दिवस के महत्व और तुलसी के पौधे के गुणों से अवगत कराया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित विद्यालय समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि तुलसी पौधे बहुत गुणी होते हैं। जिसके घर पे तुलसी पूजन होती है वे घर सुख शांति और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। तुलसी का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। विद्यालय के लड़कों और लड़कियों को तुलसी पूजन की विधि से अवगत कराया गया। धतकड़ी स्थित कम्युनिटी सेंटर प्रांगण में 23rd ईस्ट जोन नेशनल टेनिकोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। धतकीडी स्थित कम्युनिटी सेंटर मैदान प्रांगण में टाटा स्टील के तत्वाधान में 23वां ईस्ट जोन नेशनल टेनिकोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में 6 राज्यों के खिलाड़ियों ने शिरकत किया। थर्ड ईस्ट जोन नेशनल ट्रेनिंग क्वाड जिसका आयोजन धतकीडी कम्युनिटी सेंटर ग्राउंड में किया जा रहा है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसमें ईस्ट जोन की 6 टीमें ने भाग लिया, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और होस्ट झारखंड। ये प्रतियोगिता 3 दिन चलेगा और 3 दिन में जो टीमें रनर, विनर और थर्ड पोजिशन पर रहेगी उनको प्राइस द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऑर्गेनाइज बाई झारखंड स्टेट टेनिकोट एसोसिएशन और इसमें सहयोग टाटा स्टील फाउंडेशन का बहुत रहा। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अली रजा खान। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। शहर में नहीं थम रहा सड़क हादसों का सिलसिला, तेज रफ्तार की कहर से 3 की हुई मौत।
उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ लिया बिष्टपुर मार्केट का जायजा। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 76वां जन्मदिन जिला कांग्रेस कमेटी की महिला इकाई द्वारा केक काटकर मनाया गया। शराब के ठेकों एवं अश्लील भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की मांग को लेकर ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संस्था ने डीसी को सौंपा मांग पत्र। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।